ओम शांति। तो प्यारे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत हो गई है। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार और पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। एक मास के लिए, दो मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई और नेचर बन गई। पवित्रता की नेचर बन गई है ना, नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है? बन गई है ना, सिर्फ कांध हिलाओ बस बन गई। हाँ बाबा कन्फर्म कर रहे हैं, बन गई ना पवित्रता की नेचर। कहे हाँ जी बाबा। अपवित्रता नेचर से समाप्त हो गई और पवित्रता जीवन में समा गई। ऐसी हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप के साथ और आपके साथ वह भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते हैं। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ा देह अभिमान का कारण है मैपन। ये मैपन जब अर्पण कर लेते हो तभी ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा भी क्या करता है, मैमे करता है ना। तो ये मैमे, ये देह अभिमान के मैपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। सबसे पहला मैपन है मैं शरीर हूँ, फलाना हूँ। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैपन है। और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का भी मैपन है। उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैपन ऊपर से नीचे ले आता है। विशेषता हर एक में है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता न हो, ये नहीं। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैपन में लाते हैं, मैं ऐसा हूँ, ये रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैपन है। तो समर्पण तो हुए ही है, लेकिन आगे क्या देखना है? टीचर्स सभी अपने को क्या कहती है? समर्पण है ना, टीचर्स सभी समर्पण है। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण है, हाँ या ना? पांडव समर्पण है सभी मन से समर्पित बाबा पर? दिल से कहे हाँ जी बाबा। बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे ये चेक करना है, बताएं क्या? आप कहेंगे समर्पण तो है ना, फिर क्या करना है? तो एक है समर्पण और आगे है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है, अपने मन बुद्धि सहित समर्पण। क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं पुरुषार्थ में, तीव्र गति से कदम उठाते हो और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ है, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति की कमी हो जाती है। जब बाबा कहते हैं व्यर्थ का प्रभाव पड़ता है, तो उससे क्या होता है, व्यर्थ और नेगेटिव के प्रभाव के कारण जो सत्य है उसमें निर्णय करने में या उसकी निर्णय करने की महसूसता की शक्ति में कमी आ जाती है। समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक है विवेक से महसूसता
दूसरा है दिल से महसूसता, और दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 21 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं है लेकिन मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर नेचुरल निकल आते हैं। लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। डबल अंडरलाइन, सर्व समर्पण का अर्थ है मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए। जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, भिन्न भिन्न तो होगी ना, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना है ना, हमारी सभी आत्माओं के प्रति अनकंडीशनली शुभ भावना और शुभकामना। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, कल अव्यक्तवाणी को कंटिन्यू करेंगे, रात्रि क्लास 9:45 बजे, अमृत वेला सुबह 3:30 से 4:30 और प्रातः मुरली क्लास 5:45 बजे। अच्छा, ओम शांति।